भी छात्रों, कक्षा 11वीं के व्यवसायिक अध्ययन विषय के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे बैंकिंग के बारे में, बैंकिंग की सेवाओं के बारे में। इसके अंतर्गत हमने जाना था पूर्व में कि बैंक से क्या आशा है, बैंक के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं और बैंक के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। तो उनमें हमने देखा था जैसे कि व्यापारिक बैंक थे, औद्योगिक बैंक थे, कृषि बैंक, विदेशी विनिमय बैंक, बचत बैंक और केंद्रीय बैंक जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, आरबीआई, और अंतर्राष्ट्रीय बैंक। तो यहाँ हमने विस्तार से इन बैंकों के बारे में जाना था। अब और विस्तार से हम यहाँ पर पर्टिकुलर जानते हैं कि व्यापारिक बैंक जिनको हम कॉमर्शियल बैंक कहते हैं, ये कौन से बैंक होते हैं, इनके प्रमुख कार्य क्या होते हैं, इनकी प्रमुख परिभाषा क्या है। व्यापारिक बैंक, तो जो बैंक बैंकिंग का कार्य करते हैं वो कहलाते हैं व्यापारिक बैंक। तो स्वाभाविक तौर पर हम जानते हैं कि जैसे सामान्य बैंकों में हम सबसे पहले क्या करते हैं, धन जमा करते हैं। हमारी जो भी बचत है, जो भी जमा पूंजी है, या जो भी पैसा हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, उसको हम बैंक में जमा करते हैं। बैंक उस धनराशि को प्राप्त करता है, फिर उसी धनराशि से वो आवश्यकता पड़ने पर हमें ऋण भी प्रदान करता है। तो पहली चीज हो गई, यहाँ हमसे जमा पूंजी के रूप में, बचत के रूप में धन प्राप्त करना, जमा पूंजी को प्राप्त करना, फिर उसका उपयोग करना ऋण देने के रूप में, लोन देने के रूप में। इसके साथ ही चेकों का संग्रहण करना, हम चेक के माध्यम से जो भुगतान करते हैं या चेक के माध्यम से जो भुगतान प्राप्त करते हैं, उनका बैंक जो है क्या करता है, संग्रहण करता है, उनको प्राप्त करता है, चेकों को प्राप्त करता है और प्राप्त करके उनका भुगतान करता है। तो इस प्रकार से यहाँ हम देखते हैं कि जो बैंक बैंकिंग का कार्य करते हैं व्यापारिक बैंक कहलाते हैं। ये बैंक में धन जमा करने, ऋण देने, चेकों का संग्रहण एवं भुगतान आदि के कार्य करते हैं। अब यहाँ पर व्यापारिक बैंक कहाँ से है, उन बैंकों से है जिनकी स्थापना इंडियन कंपनीज एक्ट के अंतर्गत की गई है और जो सभी साधारण बैंकिंग कार्यों को संपन्न करते हैं। अभी हम देखेंगे आगे बैंकिंग के, जो व्यापारिक बैंक के और कौन कौन से कार्य हैं। तो इसमें हो गया जैसे SBI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और भी बहुत सारे बैंक जिनको हम अपने आसपास देखते हैं, ये सभी बैंक जो हैं व्यापारिक बैंक कहलाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर व्यापारिक बैंक के कार्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला बिंदु जो है, जनता से जमा राशि प्राप्त करना। तो यहाँ पर जो हमारी जो भी जमा पूंजी है, बैंक जनता से बचत की जमा राशि प्राप्त करते हैं, ऋण प्रदान करते हैं, जमा राशि की मांग होने पर वो वापस भी हमें करते हैं। अब यहाँ पर जो भी हमारी बचत है उसको हम अपने खाते में जमा करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर वो राशि हमें बैंक ब्याज के साथ वापस प्रदान करता है और उस बीच के पीरियड में बैंक जो है उस राशि का उपयोग ऋण प्रदान करने के लिए आवश्यक रूप से करता है। यहाँ पर बैंक में जमा के प्राप्त करने के लिए जो है विभिन्न खाते खोले जाते हैं, जैसे बचत खाता, स्थिर जमा खाता और चालू खाता, गृह बचत खाता आदि। ये कुछ खाते हैं, इनके प्रकार हैं जो कि बैंक के द्वारा ग्राहक के लिए खोले जाते हैं। तो पहला जो कार्य, जनता से जमा राशि प्राप्त करना विभिन्न खातों के माध्यम से। दूसरा बिंदु जो आता है, अभी बताया कि जो भी हमारी बचत वो हमसे प्राप्त करते हैं उसका उपयोग वो ऋण प्रदान करने के लिए करते हैं। तो बैंक जो है जमा राशि प्राप्त करके उसका एक निश्चित भाग जो है अपने पास नगद के रूप में रखता है और शेष राशि जो है आवश्यकता पड़ने पर लोगों को ऋण के रूप में देता है। ये लोन जो है, ऋण जो है, शॉर्ट टर्म पीरियड का भी हो सकता है, मध्य अवधि पीरियड का भी हो सकता है और लंबी अवधि का भी पीरियड हो सकता है। तो ये दूसरा कार्य जो है उसका, ऋण प्रदान करना। तो पहला जो है जनता से जमा राशि प्राप्त करना, दूसरा ऋण प्रदान करना, तीसरा जो है अभिकर्ता संबंधी कार्य।
एजेंट संबंधी कार्य। बैंक जो है एक एजेंट के रूप में भी काम करता है। बैंक क्या करता है, अपने ग्राहक का दूसरे बैंक से रुपया प्राप्त कर उनके खाते में जमा करता है। चेक के माध्यम से जो है, जब हम बैंक में चेक जमा करते हैं तो बैंक, जिस बैंक का वो चेक है उस बैंक में वो बनाने के लिए उसको भेजता है और वहां से रुपया प्राप्त करके वो हमारे खाते में जमा करता है। तो एक प्रकार से ये एजेंट का एक कार्य करता है कि अपने ग्राहक का दूसरे बैंक से रुपया प्राप्त करके उसके खाते में जमा करता है। दूसरा, ग्राहक की ओर से आदेश देने पर बीमा की किस्त उसके खाते से निकाल कर बीमा की किस्त के रूप में अमाउंट जमा करता है। ब्याज राशि, किसी को ब्याज वगैरह चुकाना तो बैंक ग्राहक की तरफ से चुकाता है। ऋण, लोन की किस्त, ग्राहक ने यदि कहीं से लोन लिया हुआ है तो उसकी किस्त जो है बैंक उसके खाते से रुपया विड्रा करके जिस खाते में ऋण चुकाना उसमें वो जमा कर। ग्राहकों के लिए ये अंश प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। ग्राहक यदि किसी कंपनी के अंश पत्रों को खरीदना चाहते हैं, प्रतिभूतियों को खरीदना चाहते हैं और बेचना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी जो है एजेंट के रूप में बैंक कार्य करता है। साथ ही यहाँ पर बैंक ड्राफ्ट द्वारा धन एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जो है अमाउंट को, राशि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का कार्य करता है। साथ ही वहीं ब्याज, लाभांश और किराया आदि वसूल कर जो है हमारे ग्राहक के खाते में ये जमा करता है। तो एक प्रकार से बैंक जो है यहाँ पर एक एजेंट के रूप में, एक प्रतिनिधि के रूप में, अभिकर्ता के रूप में ग्राहक की ओर से कार्य करता है, तो वो कहलाता है अभिकर्ता संबंधी कार्य। उसके साथ चौथा है विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय। विदेशी मुद्रा के क्रय विक्रय से आशा यहाँ पर यह है कि जब कोई ग्राहक विदेशी मुद्रा को प्राप्त करना चाहता है तो उसके एवज में अपनी देशी मुद्रा को जमा करता है और बैंक जो है निश्चित कमीशन और राशि लेकर जो है उसको विदेशी मुद्रा प्रदान करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है विदेशी विनिमय बैंक द्वारा भी ये कार्य किया जाता है। किंतु अब कुछ व्यापारिक बैंक भी जो हैं विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करने लगे हैं और ग्राहकों को समय पर विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। पांचवा जो अन्य कार्य है, और भी जो कार्य हैं, जैसे लॉकर्स की सुविधा प्रदान करना, जो भी धन है हमारा सोना चांदी हीरे जवाहरात या बहुत ही कीमती चीज प्रॉपर्टीज के पेपर्स वगैरह, बहुत सारी जो भी कीमती चीजें हैं हमारी, उनके लिए बैंक हमें एक निश्चित शुल्क के बदले लॉकर्स की सुविधा प्रदान करता है। तो हम अपना जो भी कीमती सामग्री है उसको बैंक में रखकर निश्चिंत हो जाते हैं। तो ये पहला कार्य इसमें यहाँ। दूसरा, व्यावसायिक मामलों में परामर्श भी देता है बैंक। जहाँ एक और व्यावसायिक मामलों में, उद्योग की स्थापना करने में या किसी व्यवसाय को प्रारंभ करने में जहाँ ऋण या लोन प्रदान करता है, वहीं व्यवसाय को कैसे स्थापित किया जाए, व्यवसाय उद्योग को किस प्रकार से संचालित किया जाए, इस सब मामलों में भी वो समय समय पर क्या करता है, अपने ग्राहकों को परामर्श सलाह भी देता है, सलाह देता है। साथ ही यहाँ पर बैंक अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए गश्ती साख पत्र व यात्री चेक प्रदान करता है। गश्ती साख पत्र अर्थात ऐसा के प्रकार का या ऋण पत्र है जिसके माध्यम से हम भुगतान प्राप्त कर सकते हैं, जिस स्थान से हम उसको लेके चलते हैं और जिस स्थान पर हम पहुंचते हैं वहां से हम उस पत्र को बनाकर रुपया प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार से, जिस प्रकार से ये यात्री चेक है, यहाँ पर जो है हम नगद पैसा, नगद रुपया ले जाने से उस स्थान तक बच जाते हैं और यहाँ पर जो है बैंक इस प्रकार से ये सुविधा प्रदान करता है। फिर बैंक अपने ग्राहकों की आर्थिक स्थिति की सही जानकारी भी देते हैं जिससे अन्य व्यापारी उसके साथ व्यापारिक संपर्क आसानी से स्थापित कर लेते हैं। अब यदि कोई व्यापारी किसी दूसरे व्यापारी से संपर्क करना चाहता है, व्यावसायिक तौर पर व्यावसायिक संबंध बनाना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करता है, दूसरा व्यवसायी जो है वो पहले व्यवसायी का जिसका उस बैंक में खाता है उसकी आर्थिक स्थिति की जानकारी बैंक के माध्यम से प्राप्त कर लेता है कि उसकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है। यदि बेहतर है, बैंक उसको उचित मानता है, तो ऐसी स्थिति में वो
दूसरा जो व्यापारी है वो पहले व्यापारी के साथ व्यवसायिक संपर्क संबंध बना सकता, तो ये जानकारी प्राप्त होती है। फिर बैंक आर्थिक आंकड़ों एवं सूचनाएं एकत्रित करते हैं तथा उन्हें प्रकाशित भी करते हैं और विविध वित्तीय और आर्थिक समस्याओं की जानकारी उससे हमें प्राप्त होती है। समय समय पर बैंक जो है हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए विभिन्न आंकड़ों और सूचनाओं को एकत्रित करती है और उन्हें समय समय पर प्रकाशित करती है और जिनसे हमें विभिन्न प्रकार की आर्थिक और वित्तीय समस्याओं की जानकारी प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर हमने ये देखे कि यहाँ पर जो बैंक के प्रमुख कार्य थे, व्यापारिक बैंक के मुख्य कार्य, हम देखेंगे प्रमुख बैंकिंग सेवाएं। सबसे पहला हो गया ग्राहकों के खाते। बैंक जो है सेवाओं के अंतर्गत ग्राहकों के खाते खोलती है, दूसरा उनको ऋण प्रदान करती है, ऋण प्रदान करने का कार्य करती है, वहीं मुद्रा का हस्तांतरण करती है, मुद्रा हस्तांतरण। तो यहां पर हम पहले देखते हैं कि ग्राहकों के खाते खोलना, इसमें सब विभिन्न प्रकार के जो खाते होते हैं जैसे बचत खाता हो गया, स्थिर जमा खाता हो गया, आवर्ती जमा खाता हो गया, चालू खाता हो गया, गृह बचत खाता हो गया, इस प्रकार के विभिन्न खाते हम देखते हैं कि जो बैंकों के द्वारा अपने ग्राहकों के लिए खोले जाते हैं। तो सबसे पहले बचत खाता, जो सामान्य तौर पर एक आम आदमी का बैंक में जो खाता होता है, हम आपका जो खाता होता है वो सेविंग अकाउंट कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं बचत खाता। बचत खाते में जो है छोटी छोटी बचत को हम जमा कर व निकालने की सुविधा प्रदान करने के साथ साथ जमा राशि पर 4% की दर से ब्याज दिया जाता है, ब्याज दिया जाता है। साथ ही ये पैसा हम वर्तमान में ATM के माध्यम से निकालते हैं। तो बचत खाता जो है सेविंग अकाउंट कहलाता है, जो कि हर आम आदमी का बैंक में जिसका खाता है वो जनरली सामान्य रूप से बचत खाता खोलता है, जिसमें हम छोटी से लेकर बड़ी राशि तक जमा करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर उस राशि को हम वापस निकाल सकते हैं और वर्तमान में जो है उस जमा राशि पर सेविंग अकाउंट पर बैंक जो है 4% की दर से ब्याज प्रदान करते हैं। दूसरा प्रकार का जो खाता है स्थिर जमा खाता, जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड अकाउंट। फिक्स्ड अकाउंट जो है इसमें जो है एक निश्चित अवधि के लिए हम रुपया जमा किया जाता है, निश्चित अवधि के लिए, अर्थात 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए या 5 वर्ष के लिए। इसमें जो है विभिन्न वर्षों के पीरियड के अनुसार ब्याज की दर इसमें चलती है। तो यहाँ पर जो लोग जोखिम से बचना चाहते हैं, अर्थात जो अपना पैसा व्यापार व्यवसाय में नहीं लगाना चाहते, अर्थात वो रिस्क नहीं उठाना चाहते, सीधा सीधा उनका पैसा बैंक में जमा रहे, उसके बदले में उनको सीधा सीधा ब्याज प्राप्त होता रहे, इसके लिए वो अपनी जो धनराशि है उसको यहाँ पर फिक्स्ड अमाउंट में, अकाउंट में डालते हैं। तो यहाँ पर सबसे मुख्य जो विशेषता है कि जोखिम से बचते हैं वो लोग जो इसमें पैसा जमा करते हैं, जो व्यवसाय में नहीं लगाना चाहते और जो अधिक ब्याज स्थिर रूप से प्राप्त करना चाहते हैं वे लोग इस प्रकार के खाते को खोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्थायी जमा खाता या स्थिर जमा खाता। तीसरा प्रकार जो है आवर्ती जमा खाता। आवर्ती मतलब रिपीटेशन में, बार बार। आवर्ती जमा खाता जो है इस प्रकार के खाते में एक निश्चित तिथि पर ग्राहक के द्वारा निर्धारित राशि जमा की जाती है। ये 1 वर्ष में, 1 माह में, 3 माह में, ये बार बार रिपीटेशन में हम जमा करते चले जाते हैं और समय पूर्ण होने पर ये राशि जो हमें ब्याज सहित ग्राहक को बैंक वापस कर देता है, वो कहलाता है आवर्ती जमा खाता। इस प्रकार के खाते अक्सर जो है डाकघर या पोस्ट ऑफिस में हम लोग देखते हैं, जहाँ पर कि ये खाते खोले जाते हैं। इसमें हम हर महीने 500 रुपये या 1000 रुपये, जो भी हमने अपनी लिमिट निर्धारित की है, वो हम हर महीने वहाँ जमा करते हैं और यदि यहाँ पर विलम्ब होता है जमा करने पर तो
जो बैंक है वो हमसे फाइन भी जमा कराते हैं, और जब समय अवधि पूर्ण हो जाती है, 3 वर्ष के लिए यदि खोला गया या 5 वर्ष के लिए खोला गया, संपूर्ण राशि जब जमा हो जाती है तो उसके बाद ब्याज सहित वो राशि हमें वापस कर देता है। ये तीसरा खाता था जो आवर्ती जमा खाता। इसके बाद ये है चालू खाता, जिसको हम बोलते हैं करंट अकाउंट। ये खाते जो हैं ये जनरली व्यावसायिक संस्थाओं के द्वारा खोले जाते हैं। अब व्यावसायिक संस्थाएं जो ये खाते को खोलती हैं, क्योंकि उन्हें नियमित रूप से बहुत से भुगतान करने होते हैं, एक व्यावसायिक संस्था को रूटीन में बहुत सारे भुगतान करने होते, कच्चे माल को खरीदना है या किराया वगैरह चुकाना है, और भी कोई चीज़ खरीदना है, कहीं भुगतान करना है, विभिन्न प्रकार के व्ययों का भुगतान करना है, तो ये रूटीन में एक व्यापारिक संस्था जो होती है, औद्योगिक संस्था जो होती है, रूटीन में बहुत सारे भुगतानों को उसको करना होता है। तो यहाँ बैंक जो है ग्राहक के कभी भी मांग करने पर नकद कोष, तो हम तरल कोष बोलते हैं, सदैव तैयार रखना पड़ता है। अर्थात कब व्यवसायिक संस्था जो है अपने जमा पैसे में से पैसे की डिमांड करने लगे, तो इसको जो है सदैव तैयार रखना पड़ता है। तो ये जो है व्यावसायिक संस्थाओं के द्वारा खोले जाते हैं, और चूंकि जैसा बताया व्यावसायिक संस्थाओं को बहुत से प्रकार के रूटीन में भुगतान करने होते हैं, तो बैंक में कभी भी भुगतान की वो मांग कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें बैंक को नगद कोष जो है सदैव तैयार रखना पड़ता है। यहाँ बैंक जो है ग्राहक के चेकों का संग्रहण व भुगतान के अधिविकर्ष की सुविधा भी प्रदान की जाती है। इसमें ब्याज की दर क्या होती है, कम होती है, क्यों, क्योंकि पैसा इसमें जो है चालू खाते में लंबे समय तक ज़्यादा नहीं रह पाता। कभी भी जो व्यावसायिक संस्था अपना पैसा जमा करती है वो कभी भी निकाल लेती है। तो ये चालू खाता है। इसके बाद है पांचवा, गृह बचत खाता। इस खाते के अंतर्गत जो है बैंक छोटी छोटी रकम को जमा करने के लिए जमाकर्ता को एक ताला लगा हुआ गुल्लक दे दी जाती है, जिसमें जमाकर्ता जो है अपनी बचत को समय समय पर डालता रहता है, और बैंक उसे प्राप्त करके जो है उसकी खाते में उस बचत राशि को जमा कर देता है। इस खाते में जो ब्याज की दर जो है अपेक्षाकृत नीची होती, बहुत छोटा मोटा अमाउंट होता है इसमें जमा। तो घरेलू बचत को प्रोत्साहित करने के लिए जो है ये गृह बचत खाता खोला जाता है। जैसे पूर्व में विद्यार्थियों के लिए संचयिनी नाम से एक बचत खाता विद्यालयों में होता था, जहाँ पर विद्यालय में एक संचयिनी संस्था होती थी, जहाँ पर बच्चे जो है बहुत छोटा छोटा सा अमाउंट 50 पैसे, रुपया, 2 रुपया उसमें वो जमा करते थे। तो ये गृह बचत खाता, ये यहाँ पर हमने देखे कि जो ग्राहकों के विभिन्न प्रकार के खाते होते हैं, तो उनमें बचत खाता हो गया, आवर्ती खाता हो गया, चालू खाता, गृह बचत खाता। इसके बाद हम दूसरी बैंकिंग की सेवाएं देखेंगे, ऋण प्रदान करना। दूसरा ये प्रमुख सेवा जो है कौन सी है, ऋण प्रदान करना। तो जैसा कि हमने बताया शुरू में कि बैंक जो है हमारी जमा पूंजी को प्राप्त करती है हमसे, और उसका उपयोग जो है ऋण प्रदान करने में करती है। तो यहाँ औद्योगिक गतिविधियों के संचालन व स्थापना हेतु ग्राहक की साख के आधार पर ऋण प्रदान करती है। बैंक जो है सामान्य रूप से ऋण प्रदान करती है, वहीं व्यवसायिक औद्योगिक गतिविधियों के संचालन व स्थापना हेतु एक ग्राहक की साख की रेपुटेशन जो है उसके आधार पर जो है ऋण प्रदान करती है। ये ऋण जो है बैंक नगद साख एवं अधिविकर्ष के रूप में ऋण प्रदान करते हैं। यहां हम देखेंगे कि नगद साख क्या कहलाती है। नगद साख वो होती है जिसमें बैंक ग्राहक की स्वीकृत राशि को ऋणी के नाम से एक खाता खोलकर जमा कर देता है। बैंक जो है अपने ग्राहक के नाम पर एक राशि को स्वीकृत करता है कि इसको इतना भुगतान किया जा सकता है, और उसके नाम पर एक खाता खोल देती है और राशि स्वीकृत करके उसके खाते में जमा कर देती है। फिर ग्राहक क्या करता है, यहाँ ग्राहक अपनी आवश्यकता अनुसार राशि को निकालता जाता है। जब उसको जितनी राशि की जरूरत पड़ती है तब वो उतनी राशि बैंक से निकाल लेता है। यहाँ पर जो है ये सुविधा बैंक उसको पर्याप्त संपत्ति के जमानत के आधार पर दी जाती है। तो यहाँ कैश क्रेडिट जो है
नकद साख में जो है बैंक ग्राहक को यह सुविधा प्रदान करता है कि ग्राहक जो अपनी आवश्यकता अनुसार राशि बैंक से प्राप्त कर सकता है। दूसरा जो है आपका अधिविकर्ष, जिसको हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, ये एक ऐसी अस्थायी व्यवस्था है जिसके चालू खाते होते हैं। ये ओवरड्राफ्ट की जो सुविधा है उन ग्राहकों के लिए होती है जिनके बैंक में करंट अकाउंट चालू खाता होते हैं। अब ओवरड्राफ्ट क्या है कि एक्चुअल में जो ग्राहक का बैंक में जो रुपया जमा है उतने जमा रुपये के बिहाफ में उस जमा राशि से अधिक राशि निकालने की बैंक उसको अनुमति देता है। जो यहाँ दे रहा है कि जमाओं से अधिक एक निश्चित जमा राशि निकालने की अनुमति देता है। बैंक में मान लीजिए उसका 50,000 रुपये जमा है और उसकी ओवरड्राफ्ट की लिमिट मान लीजिए 8,000 रुपये, तो यहाँ पर वो बैंक से जो है 50,000 के ऊपर 60,000 रुपये तक की राशि जो है वो 10,000 रुपये जो ऊपर तक निकाल सकता है। ये खाते जो हैं बिना जमानत के भी खोल सकते हैं, आंशिक जमानत या फिर पूर्ण जमानत पर हो सकते हैं। तो ये कहलाता है ओवर ड्राफ्ट। तो दो प्रकार की ऋण प्रदान करने की सुविधा बैंक प्रदान करता है, नंबर एक नगद साख और दूसरा अधिविकर्ष। तीसरा यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हम नगद साख तथा अधिविकर्ष में अंतर देख लें और बेहतर हम नगद साख और अधिविकर्ष को जान जाएंगे। अर्थ, नगद साख जो है कंपनियों को अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने दिया जाने वाला एक अल्पकालीन ऋण होता है। करंट की हमें जो आवश्यकता है कार्यशील पूंजी के रूप में, हमें अपने कार्य को संचालित करने के लिए जो ऋण की आवश्यकता है कम समय के लिए नगद साख के माध्यम से हम जो है या प्राप्त कर लेते हैं। अधिविकर्ष जो है बैंक कंपनी को उनके खाते में जमा राशि से अधिक राशि निकालने की सुविधा प्रदान करता है। जितना हमारा पैसा बैंक में जमा है उससे अधिक राशि निकालने की सुविधा हमें ओवरड्राफ्ट के रूप में प्राप्त होती है। तो ये अर्थ हो गया। दूसरा सुरक्षा, नगद साख जो है प्रायः माल को दृष्टि बंधक या बंधक के आधार पर प्रदान की जाती है। यह नगद साख खाते के माध्यम से भी प्रदान किए जाते हैं। तो नगद साख जो है जो उस व्यवसायिक उपक्रम का माल है, कच्चा माल है या तैयार पक्का माल है या किसी अन्य प्रकार की संपत्ति है, उनको गिरवी रखकर जो है बैंक नगद साख की सुविधा प्रदान करता है, नगद रुपया उधार देता है। यही अधिविकर्ष जो है वित्तीय विपत्र या संपत्ति की जमानत पर दिए जाते हैं। ओवरड्राफ्ट जो है प्राप्य विपत्र के आधार पर या संपत्तियों की विभिन्न प्रकार की जो संपत्तियां उनकी जमानत पर उसको दिया जाता है। फिर ये जो खाता है यह नगद साख खाते के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। जो उस व्यापारी का जो साख खाता है, ऋण खाता है, उसकी जो टाइमिंग है पैसा जमा करने की निकालने की, तो उसकी साख के आधार पर जो है नगद साख का खाता खोला जाता है। जबकि ये जो है अधिविकर्ष चालू खाते के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। जिसका चालू खाता होता है उसको अधिविकर्ष की सुविधा प्रदान की जाती है। फिर प्रयोग, नगद साख में जो है नियमित रूप से ऋण लिए जाते हैं। जैसा कि बताया कि ये चूंकि एक अल्पकालीन ऋण है, समय समय पर अपनी करंट की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम ऋण प्राप्त करते हैं और जैसे ही वो आवश्यकता पूरी होती है हम भुगतान कर देते, तो अल्पकालीन ऋण। और जबकि अधिविकर्ष जो है थोड़े समय के लिए ये सुविधा प्राप्त की जाती है। तो यहाँ हमने देखा ये नगद साख और अधिविकर्ष, ओवरड्राफ्ट, इनके बीच में अंतर। तीसरा जो यहाँ बैंकिंग सेवाओं के अंतर्गत जो है मुद्रा का हस्तांतरण, पैसे को ट्रांसफर करना, रुपये को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना। तो बैंक जो है ग्राहकों को अभिकर्ता के रूप में धन हस्तांतरण की सुविधा भी प्रदान करते हैं, जिनमें बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंकर चेक के साथ साथ आधुनिक तकनीक में जो है हम RTGS एवं NEFT आदि हैं। तो यहाँ पर जो है
धन को हस्तांतरित करने से तात्पर्य यहाँ पर कि धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। पूर्व में हम बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से, बैंकर्स चेक के माध्यम से जो है पैसे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते थे। वर्तमान में जो है ये तकनीक जो है RTGS के माध्यम से, NEFT के माध्यम से हम तत्काल में इसको पूरा करते हैं। RTGS एक ऐसी प्रकार की प्रक्रिया जिसमें एक फॉर्म भरते हैं हम बैंक में और उसमें अधिकृत करते हैं कि हमारे खाते से ये राशि निकाल कर जो है इस खाते में जमा की जाए। बैंक जो है उस अथॉरिटी ऑर्डर के आधार पर आपका जो पैसा है तत्काल यहाँ से दूसरे खाते में ट्रांसफर कर देता है। इसी प्रकार से NEFT की भी सुविधा है, इसमें भी जो है पैसा जो है हम धन जो है पूंजी एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेजी से कर देते हैं। अब पूर्व में जो बैंक ड्राफ्ट तथा बैंकर चेक चलते थे उनके बीच में जो अंतर हम देखते हैं कि बैंकर चेक का प्रयोग मुद्रा का हस्तांतरण स्थानीय सीमाओं के भीतर ही करने हेतु किया जाता है, जबकि बैंक ड्राफ्ट का प्रयोग मुद्रा हस्तांतरण हेतु देश के किसी भी दो शहरों के मध्य किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है बैंकर चेक जो है एक शहर की सीमा के अंदर या एक निश्चित स्थानीय सीमा के अंतर्गत जो है हम बैंकर चेक का उपयोग करते हैं पैसे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने के लिए, जबकि बैंक ड्राफ्ट का जो उपयोग है वो हम एक देश से किसी देश के दो शहरों के बीच में ट्रांसफर करने के लिए बैंक ड्राफ्ट का उपयोग करते हैं। फिर बैंकर चेक पर अपर क्राम में नॉट नेगेटिबल लिखा होता है, जबकि बैंक ड्राफ्ट पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होता है। तीसरा, बैंक ड्राफ्ट जो होता है वो रेखांकित होता है, क्रैश्ड, अर्थात इसका भुगतान उसी को प्राप्त होगा जिसके वो खाते में जमा होगा, जिसके नाम पर वो बैंक ड्राफ्ट कटा है, जबकि बैंकर चेक में ऐसा होना आवश्यक नहीं है, जिसको हम क्रैश चेक बोलते हैं। जैसे क्रैश चेक जब हम किसी को देते हैं तो वो चेक उसी के खाते में जमा होता है, उसको डायरेक्ट कैश वो नहीं होता, खाते में पैसा जमा होता है। फिर बैंकर का चेक का क्षेत्र जो है वो सीमित होता है, जबकि बैंक ड्राफ्ट का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत होता है, क्योंकि बैंकर जो है एक स्थानीय सीमा के अंदर किया जाता है पैसे को ट्रांसफर करने के लिए, जबकि बैंक ड्राफ्ट जो है एक देश के अंदर जो है एक शहर से दूसरे शहर में पैसे को ट्रांसफर करने के लिए बैंक ड्राफ्ट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हमने देखा ये बैंक ड्राफ्ट तथा बैंकर चेक में अंतर मुद्रा हस्तांतरण के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो है बैंकिंग सेवाओं के अंतर्गत जो है व्यापारिक बैंक की यहाँ पर सबसे पहले ग्राहकों के खाते खोलना, फिर उन्हें ऋण प्रदान करना और तीसरा ये मुद्रा हस्तांतरण। इससे जुड़े हुए कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, व्यापारिक बैंकों से क्या से समझाइए, व्यापारिक बैंकों के प्रमुख कार्य को समझाइए, फिर बैंकों की प्रमुख सेवाओं के अंतर्गत खातों के प्रकार, ऋण प्रदान करना व मुद्रा हस्तांतरण को समझाइए और नगद साख एवं अधिविकर्ष को समझाइए, इनमें अंतर लिखिए।